उर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं और सारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अब लास्ट एंड पे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो आज एक रिव्यू मीटिंग भी इसी के लिए हम लोगों ने डीसी साहब ने रखी हुई है, एसएसपी साहब भी वहाँ होंगे। तो मुझे लगता है इस बार हर साल की तरह हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा जो पिछले साल हम लोग जो ज़ायरीन को मुहैया कर पाए थे, सहूलियत दे पाए थे, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक दो सालों से हमने ये शुरू किया है कि अगर आप देखेंगे चौगान को हम अल्हम्दुलिल्लाह एक साइबान लगा के, एक बहुत अच्छे कनाट्स लगा के सजाते हैं, ताकि जो बाहर से लोग, आपने देखा होगा गरीब लोग बाहर से आते हैं, फड़ी वाले आते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं, जिनको यहाँ कोई जगह नहीं होती थी, जो दरबदर होते थे। वक्त ने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया है लास्ट से लास्ट साल जो है डीसी साहब के कहने पर, और उस सिलसिले में हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर्स निकाले हुए हैं, लोगों ने अपने जो रेट्स हैं वो अभी तक दिए हुए हैं, और हम देखेंगे जो लोवेस्ट टेंडर होगा इंशाल्लाह उसको वो टेंडर दिया जाएगा, ताकि वो बहुत अच्छे से वहाँ टेंट्स का इंतज़ाम करे, ताकि जो लोग आएंगे, जो अपना सामान, गरीब लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ कास्ट हमारे उन टेंटों में वहाँ रहेंगे, उनको वहाँ मुहैया करेंगे। हाउएवर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो थोड़े बहुत चार्जेस वहाँ 50-100 रुपया सफाई के लिए होते हैं वो म्यूनसिपैलिटी करती है, जबकि आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो अपना माल बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए किश्तवाड़ आते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा दफ्तर जो हिडियाल चौक में है बैतुल ज़ायरीन के नाम से, वहाँ जाएँ। वहाँ पर हम लोगों ने परमिशंस बना के रखी हुई हैं, सिर्फ उस पर उनका नाम लिखना है और नंबरिंग करनी है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो बंदा पहले आएगा पहले उसका नंबर होगा और पहले जाके अपनी फड़ी लगाएगा या रेहड़ी लगाएगा। ज़ायरीन में अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने पहले साल के मुकाबले में ज़्यादा मैट्रेसेस रखे हुए हैं, ताकि उनके तमाम का जो खाने का भी और उसके बाद रहने का भी रात को इंतज़ाम किया जाए, इंशाल्लाह खाना भी वहाँ मिलेगा। वहाँ ही नहीं बल्कि इस बार इंशाल्लाह हमने एडिशन की है कि ज़ियारत फरीदिया पे भी हमारी सराय बनी है, उसको इस बार हमने नए तरीके से थोड़ा सजाया है, वहाँ पे एक वाटर टैंक की ज़रूरत थी वो बनाया है, और इंशाल्लाह उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे, और वहाँ पे भी जो ज़ायरीन हैं उनको रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। बट इन एडिशन टू दिस मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मैंने इस्लामिक स्कूल में भी 3-4 कमरे इसीलिए रखे हुए हैं मुख्तस, ताकि जो लोग बाहर से ज़ायरीन आएंगे, बच्चे आते हैं, बहुत सारी औरतें आती हैं, उनके रहने का यहाँ पूरा इंतज़ाम किया जाएगा।